हेलो, नमस्कार दोस्तों। 1 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। पहली जो हमारी न्यूज़ यहाँ पे आई है वह है जम्मू एंड कश्मीर बाइफिकेशन को लेके। बाइफिकेशन का मतलब होता है विभाजन। देखो, आपको पता है कि अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर को विभाजित करने के लिए, दो भागों में डिवाइड करने के लिए बिल लाया गया था और फिर वो पार्लियामेंट से पास भी हो गया था। और इसी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो उसके बाद काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी भी क्रिएट हो गई थी। तो अभी कल ही एक्चुअली जो जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया था दो यूनियन टेरेटरीज में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी है, एक लद्दाख, वो कल से एक्टिव फॉर्म में आई है। कल से ही क्यों डिसाइड किया गया, इसके पीछे देखो रीज़न ये था कि अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 144वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो होती है 31 अक्टूबर को। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके द्वारा भारत की जो रियासतें थी इनके एकीकरण में या उनके यूनिफिकेशन में काफ़ी बड़ा योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है। इसीलिए उनकी आत्मा को शांति देने के लिए या उनके श्रेय को और ज़्यादा वैल्यूएट करने के लिए 31 जो अक्टूबर का दिन है वो सेलेक्ट किया गया था। तो कल से ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरेटरी में एक्टिव फॉर्म में ला दिया गया था। तो इसी को लेकर आर्टिकल है वो आया है। आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं यहाँ पे, वो इनको रखा गया है मुर्मू को, और जो यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरेटरी बनी है इनके उपराज्यपाल या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है आर के माथुर। तो देखो, यूपीएससी जो यहाँ पे मतलब कि गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, इनके बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछते, काफ़ी सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे एक तो हमें पता होना चाहिए कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 एबोलिश कर दिया गया है। आर्टिकल 35A क्या है उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती थी, बट अब खैर इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। अब देखो, न्यूज़ एक अभी ये भी आई ही कि चाइना ने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप जम्मू एंड कश्मीर का बाइफिकेशन नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा सॉवरेनिटी का इशू है। अब देखो, चाइना ने सोनेटी का इशू इस बेसिस पे कहा क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे लद्दाख वाले हिस्से, जो अक्साई चीन का हिस्सा है, वो चाइना के अंडर या चाइना ने उसको एक्वायर कर रखा है। इसलिए चाइना ने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके बदले में इंडिया ने जवाब दिया चाइना को कि भाई आप बीच में अंगुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इशू है वो हमारा इंटरनल मैटर है और हम जैसे चाहें वैसे यहाँ पर मामला सुलझाएंगे, आप बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बाइफिकेशन को लेकर आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मालवेयर के बारे में। देखो, मालवेयर है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है। अब सॉफ्टवेयर तो देखो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके किसी भी तरीके के यूजेज हैं वो हो सकते हैं, बट जो मालवेयर होता है वो एक तरफ का मालिक्यूल सॉफ्टवेयर होता है। मालिक्यूल का मतलब होता है कि आप बुरे आइडिया से या फिर बुरा काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको कहा जाता है मालिक्यूल सॉफ्टवेयर। यानी कि किसी बुरे कार्य को अंजाम देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि नुकसान पहुँचाएगा, उसको मालिक्यूल के नाम से जाना जाता है। तो मालवेयर एक तरीके का नेगेटिव सॉफ्टवेयर या हम बात करें मालिक्यूल सॉफ्टवेयर है जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर डाटा चोरी या फिर कुछ और भी गलत कारणों से इसको जाता है वो किया जाता है। तो अभी देखो, न्यूज़ ये आई थी कि जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL है, उसके द्वारा मतलब उसके ऊपर एक अटैक हुआ था मालवेयर का। कौन से पावर प्लांट पे? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक होने की बात है वो की गई है। खैर, खतरे की इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि उससे कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ऑलरेडी सिस्टम काफ़ी सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह थे इंडिया के काफ़ी अच्छे थे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बट एक अटेम्प्ट किया गया है मालवेयर के थ्रू, तो हमें पता होना चाहिए कि मालवेयर है तो होता क्या है और जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है। देखो, हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनको रेगुलेट या इनकी मॉनिटरिंग है वो की जाती है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यानी कि जितने भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी रेगुलेशन, निगरानी, सारा काम NPCIL के द्वारा किया जाता है। तो अभी उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ भाई एक अटैक हुआ था पर उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ है। और ये जो मालवेयर का अटैक किया गया था ये नॉर्थ कोरिया का एक वायरस था उसके थ्रू किया गया था, जिसका नाम था D-Track। तो ये भी एक छोटी सी यहाँ पर न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मालवेयर है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो कुछ टाइम पहले भी आपको पता होगा कि मालवेयर के द्वारा अटैक किया गया था। मालवेयर क्या होता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर हो गया, आप जो ही अपना लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन करोगे तो उसमें आपके सामने आपका डाटा वगैरह वो हैक कर लिया जाता है और आपसे बदले में फिरौती या कुछ भी मांगा जाता है कि भाई आप ये चीज़ दो अदरवाइज हम आपका डाटा डिलीट वगैरह कर देंगे। मतलब आप अपने ही डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो इस टाइप की चीज़ों को कहते हैं मालवेयर, कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेशली काम या किसी भी चीज़ को डैमेज करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए फिर डाटा चोरी करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है।
यानी कि बैड कार्य या गलत कार्यों की एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, तो इसका अपराधी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है फर्स्ट इंडियन ब्रेन एटलस के बारे में। देखो, इंडिया ने अपना पहला ब्रेन एटलस है वो अभी जारी किया है, ये जारी किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है हमारा टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद, उसके द्वारा ब्रेन एटलस जारी किया गया है। इसका नाम रखा गया है IBA 100 या IBA 100। देखो, इस तरह के एड्रेस पहले भी अदर अदर कंट्रीज़ में किए गए हैं, जैसे कि चाइना में, कोरिया में या यहाँ पे कॉस्के। तो ये आपको थोड़ा फिर ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ऐसा कुछ स्टेप उठाए हैं। जो पहला इस तरीके का ह्यूमन ब्रेन एटलस है वो क्रिएट किया गया मॉन्ट्रियल न्यूक्लियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल जो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसने वर्ल्ड का पहला ब्रेन एटलस जारी किया था, और इंडिया में भी IIT हैदराबाद ने अपना एटलस है वो जारी किया है। अब बात यह आती है कि ब्रेन एटलस होता क्या है। देखो, हर इंसान या हम बात करें अलग अलग जो एरियाज हो गए हैं, जैसे कि ईस्टर्न एशिया हो गया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप हो गया, इसमें जो इंसान होते हैं इनके सबके जो दिमाग होता है या हम बात करें ब्रेन होता है, इसकी साइज, हाइट, विड्थ है, वॉल्यूम है, वो सबका अलग अलग होता है। तो उसी की स्टडी करने के लिए ब्रेन एटलस है वो जारी किया गया है। यानी कि इंडिया में जितने भी तरीके के लोग हैं, जितनी भी स्पीसीज के लोग रह रहे हैं, जैसे एंग्लो इंडियन है, बाहर की इधर भी कम्युनिटीज़ के, तो उन सब के ब्रेन की यहाँ पे एक तरीके से उनकी हाइट कितनी है, ब्रेन की, ब्रेन की विड्थ कितनी है, ब्रेन का वॉल्यूम कितना है, ब्रेन का मास है वो कितना है, इन सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और फिर उसकी स्टडी की जाती है कि भाई क्या क्या डिफरेंस है और ब्रेन में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कैसे उनको कंट्रोल वगैरह किया जाता है। फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ब्रेन की, जो होती है अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है, आदमी की जो सोचने समझने की या फिर जो चीज़ें याद करने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे लॉस होती जाती है, यानी कि मेमोरी लॉस है वो होता जाता है। और इसका कोई भी समाधान अभी तक है भी नहीं, या हम बात करें कि अल्जाइमर का ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी डिजीज़ का डायग्नोसिस या सोल्यूशन है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में ब्रेन एटलस है वो जो MRI होती है उसके थ्रू कलेक्ट किया गया है, वो लगभग 50 इंडिविजुअल और जो डिफरेंट जेंडर्स हैं उनका डाटा कलेक्ट करके इसको जो एटलस को तैयार किया गया है ताकि उसकी स्टडी की जा सके। तो ये UPSC पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीपू सुल्तान को लेके। देखो, टीपू सुल्तान को लेके काफ़ी बार कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट होती है। तो अभी न्यूज़ है वो ये आई थी कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो टीपू सुल्तान के जो टॉपिक्स वगैरह हैं बुकों में उनको हटाने को लेके काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी सी चल रही है। तो UPSC ये तो नहीं पूछेगी कि भाई टीपू सुल्तान के जो टॉपिक है इनको आप बुक में शामिल करो नहीं करो, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टीपू सुल्तान है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है। अंग्रेज़ों के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए उनको हम यहाँ पे स्टडी है, हम बात करें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, टीपू सुल्तान है वो उस टाइम पे आपको पता है कर्नाटका का नाम था वो था मैसूर। तो मैसूर के उस टाइम पे वो राजा थे, और ये बात है 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में मैसूर के जो शासक थे उनका नाम था टीपू सुल्तान, और ये उस टाइम के जो मैन शासक थे हैदर अली उनके बेटे थे। यानी कि मैसूर के जो शासक थे पहले हैदर अली उनका बेटे थे टीपू सुल्तान। इनने काफ़ी अच्छे काम किए थे इसलिए इनको जाना भी जाता है। देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीपू सुल्तान, या हम बात करें कि जो मैसूर उस टाइम का राज्य था उसके और अंग्रेज़ों के बीच में 4 इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी, एंग्लो मैसूर वार। तो UPSC इन एंग्लो मैसूर वार के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, 4 जो एंग्लो मैसूर वार हुए हुए हैं इनकी हमें एग्जैक्टली ईयर याद रखनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक सीक्वेंस याद रहनी चाहिए और ये आप समझिए कि भाई लगभग कौन से ईयर में हुए थे। जैसे कि पहला जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। सेकेंड हुआ था वो था 1784 के बीच में। इसके बाद में थर्ड जो एंग्लो मैसूर वार था वो हुआ था 1790 से 92, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था वो हुआ था 1798 से 99, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, और इसी के साथ ही जो अंग्रेज़ों और मैसूर साम्राज्य के बीच में लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई थी, और फिर धीरे धीरे मैसूर साम्राज्य का या जो मैसूर साम्राज्य था आज का कर्नाटक है उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से का आउटकम क्या क्या निकला था और किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी। देखो, जो पहला एंग्लो मैसूर वार था वो हुआ था 1767 से 1769।
इस दौरान ये वार हुआ था अंग्रेज़ों और हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के जो पिता थे इनके बीच में लड़ाई हुई थी, और इसमें अंग्रेज़ हैं वो हार गए थे, टीम जो हैदर अली थे इनकी जीत है वो हुई थी। इसके बाद में एक ट्रीटी होती है अंग्रेज़ों के और हैदर अली के बीच में जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद हो रही है। सेकेंड जो वार होता है फिर एंग्लो मैसूर वो होता है 1780 से 1784 के बीच में। इसमें क्या होता है, हैदर अली है वो हार जाता है अंग्रेज़ों से, और इसके बाद में ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर आपको ध्यान में रखना है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। तो सेकेंड वार के बाद में होती है मैंगलोर जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड जो वार होता है वो होता है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, ये होता है 1789 से 1792 के बीच में। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान है वो हार जाता है, और इसके बाद में एक ट्रीटी होती है अंग्रेज़ों के और टीपू सुल्तान के बीच में जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी ने कई बार पूछी भी है। इसके बाद में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान है वो अंग्रेज़ों से हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था एक जो एंग्लो मैसूर वार का कंप्लीट टाइमलाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। देखो नेशनल पेंशन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम है। इस स्कीम को 2004 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जब ये स्कीम आई थी सबसे पहले तब केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी 2004 में। बट बाद में 2009 में क्या किया गया, सभी लोगों के लिए स्कीम को ओपन कर दिया गया कि भाई कोई भी इंडिया का जो नागरिक है आम पर्सन है वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। होता क्या है इस स्कीम में, इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा है या कहीं प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो अपना हर साल थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस फंड में या पेंशन स्कीम में जमा करवाता रहेगा, और फिर उसको रिटायरमेंट या उसकी जब एज हो जाएगी या बुढ़ापे की हम बात करें क्योंकि अब 60 जो एज है, इसके बाद में उसको वो पैसा पेंशन के फॉर्म में धीरे धीरे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। ये थी नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पर्सन आया हर साल मंथली अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे करते रहते हैं, इसके बाद में जो ही रिटायरमेंट होता है तो वो अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और उनको कुछ पैसा है वो मतलब धीरे धीरे एक तरह से रिटायरमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट में भी पे किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पैसा जाता कहाँ पे है, जैसे कि कोई मान लो कि मैंने ये नेशनल पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो ये पैसा गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो PFRDA है वहाँ पर जाके होता है मतलब रेगुलेटेड, इसके बाद में रिटायरमेंट के बाद ये पैसा धीरे धीरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ध्यान रखना अभी सभी लोगों के लिए इस स्कीम को ओपन है वो कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि भाई इस स्कीम को ज्वाइन कौन कर सकता है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है इसको कौन ज्वाइन कर सकता है। तो देखो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यह कि एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जिसकी एज है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ NRI है वो भी इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें यहाँ पे जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं OCI वो भी इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं 65 ईयर्स की एज तक। अभी न्यूज़ ये आई थी कि गवर्नमेंट ने जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं इनके लिए भी इस स्कीम को ओपन है वो कर दिया है। तो UPSC पूछ सकती है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर NRI ज्वाइन नहीं कर सकते वगैरह, तो आपको ध्यान में रखना है कि भी NRI हैं वो भी इस स्कीम को ज्वाइन है वो कर सकते हैं, और जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी इस स्कीम को ज्वाइन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है सरायू रिवर के बारे में। देखो न्यूज़ ये आई थी कि अभी दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरायू रिवर है इसके किनारे काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 5.5 लाख के आसपास दिए हैं वो एक साथ जलाए गए थे, तो उसी को लेके गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज है वो करवाया गया था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ दिए हैं वो कहीं जलाए गए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सरायू रिवर। सरायू रिवर है वो देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है, और इस रिवर की एंशेंट यानी कि काफ़ी पुरानी हम बात करें तो एंशेंट सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है, जैसे कि वेदों में रामायण में भी इस रिवर का उल्लेख है वो किया गया है। ये जो सरायू रिवर है ये तिब्बत की जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ओरिजिन होती है, और इसका अलग अलग नाम भी है। सरायू रिवर को घाघरा रिवर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको मानस नंदिनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो नामों में आपको कन्फ्यूज है वो यहाँ पे नहीं होना है। फिर ये जो रिवर है ये आगे आगे बिहार में गंगा रिवर में आके मिल जाती है, और ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि भाई गंगा की है ट्रिब्यूटरी है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सरायू रिवर है वो गंगा की कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी है,
राइट या लेफ्ट, ये आपको बताना है कि कौन सी साइड की ट्रिविटी है हो जाती है। अब देखो इसमें एक दो फैक्ट ये भी दिए गए हैं कि जो करनाली है और यहाँ पे महाकाली है वो डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं कौन, तो ये तो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फैक्ट ये यूपीएससी पूछ सकती है कि जो अयोध्या है वो सरयू रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, और ये जो रिवर है सरयू रिवर, ये कुमायूं की पहाड़ियों से फ्लो है वो करती है। तो कुमायूं जो हिल्स है हिमालय का हिस्सा, वहाँ से ये फ्लो है वो करती हुई इंडिया में बहती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मेकोंग रिवर के बारे में। देखो मेकोंग रिवर है वो साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये काफ़ी कंट्रीज़ का बॉर्डर बनाती है और उनकी एक तरीके से लाइफ लाइन भी है। मेकोंग रिवर है, इसका ओरिजिन है वैसे तो चाइना से होता है, तिब्बत वाले एरिया से। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और यह वियतनाम, चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इनसे होकर फ्लो करती है। यहाँ पे हो गया चाइना, फिर म्यांमार, फिर लाओस, यहाँ पे थाईलैंड आ गया है, कंबोडिया आ गया है, और यहाँ पे वियतनाम है, इनसे होके फ्लो करती है। अब देखो ये रिवर जहाँ से ओरिजिन होती है, मतलब चाइना तिब्बत वाले ऐसे से, इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यांमार है इस साइड और ये है लाओस, तो म्यांमार और लाओस के बीच में देखो यहाँ पे बॉर्डर बनाती है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि जो मेकोंग रिवर है वो किस किस के बीच में बॉर्डर बना रही है, तो म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसके बाद में आप देखो कि ये रिवर ऐसे, देखो यहाँ पे थाईलैंड और ये लाओस का हिस्सा ही है, इसके बीच में देखो यहाँ पे बॉर्डर बना रही है। तो मेनली तीन जो यहाँ पे कंट्री हैं इनके बीच में बॉर्डर बना रही है। एक तो म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बना रही है, एक थाईलैंड और लाओस के बीच में यह बॉर्डर है वो बना रही है। इसके बाद में यह कंबोडिया में फ्लो करती है, और फिर यह वियतनाम से होते हुए यहाँ पे डेल्टा बनाती है वियतनाम में। तो इसका डेल्टा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बनाती है। और इसकी हम बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे थी गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पे है फिर ये अंडमान सी, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, जिसमें काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं, तीन आइलैंड मैनली, उनको लेके डिस्प्यूट है वो होता रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है म्यांमार और लाओस के बीच में, और लाओस और थाईलैंड के बीच में। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो जो लाओस की कैपिटल है जिसका नाम है यहाँ पे फिनोम पेन है वो, और कंबोडिया की कैपिटल है, दोनों ही कैपिटल इस नदी के किनारे पे स्थित हैं। यानी कि लाओस की कैपिटल और कंबोडिया की कैपिटल है वो इस नदी के किनारे या मेकोंग रिवर के किनारे पे स्थित हैं। देखो ये इतने फैक्ट हमें इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट यहाँ पे कर रही है, और इनके साथ इंडिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि यहाँ पे आरसीपी जो एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी साइन किया जाने की बात है वो चल रही है, और इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू, थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।